हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट अब्सेंट हो रहे हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट में मैसेज किया है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिले। और आशा करता हूँ जो भी मैंने आप लोगों को ग्रुप डी की जानकारी दी है पिछले वीडियो में, ठीक है, तो आप लोग को पूरी जानकारी मिल रही होगी और आप लोग जानकारी से ज़रूर संतुष्ट होंगे, ठीक है। और जो भी आप लोगों का डाउट है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बट वीडियो पूरा देखने के बाद फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं बताऊं कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत मुंबई में हुआ था, ग्रांट रोड में। और जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो एक साथ मतलब मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, 24 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें लगभग 75 से 100 स्टूडेंट का बुलाया गया था, बट ऑफिशियल जानकारी नहीं निकल पा रही है फ्रेंड। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि JNV में जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, तो उन्होंने आपस में बात कर रहे थे और बता भी रहे थे कि हाँ इतने स्टूडेंट आ रहे हैं, इतने स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है फ्रेंड्स, तो एक दिन में लगभग 150 से 200 स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर ऑफिशियल मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, तो जब मैं अटेंडेंस की बात हुई, तो जब मैं अटेंडेंस बना रहा था तो मैंने अटेंडेंस लिस्ट में देखा कि कुछ लोगों का अटेंडेंस नहीं है। यानी फ्रेंड्स, मान के चलिए आप लोग कि कम से कम एक दिन में मान के चलिए 200 स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, तो आप मान के चलिए कम से कम 10 से 20%, यानी कम से कम 20 या 30 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आ रहे हैं। और ये उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनका जैसे कि 0.4 मार्क्स, 0.3 मार्क्स, 0.1 मार्क्स से भी रह गया है, ठीक है, उनको सेकेंड डिवी में ज़रूर बुलाया जाएगा। तो आप लोग आशा रखिए फ्रेंड्स, चाहे आप लोग जिस भी जोन से फॉर्म भरे हों, चाहे जिस भी जोन से आप लोग का रिजल्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं, 0 पॉइंट समथिंग से रह गया है, तो आप लोगों को ज़रूर सेकेंड डिवी, थर्ड डिवी, इसमें आप लोगों को ज़रूर बुलाया जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि मेरा ही बात करें तो मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था फ्रेंड्स कि मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उसमें 2 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया गया, ठीक है। तो कोई भी चाहता है फ्रेंड्स कि आप लोग रिस्क नहीं लें, जब तक आप सेटल नहीं होते हैं तब तक कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि मैं रिस्क लूँ। जैसे कि अगर मेरा नवोदय विद्यालय में कन्फर्म हो जाता कि हाँ मेरा सिलेक्शन पक्का है, तो मैं इसमें नहीं जाता। फिर आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि मेरा ICAR, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी, IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्नीशियन पोस्ट का, उसमें भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा अक्टूबर में ही हुआ है पटना में, बट उसका अभी तक फाइनल मेरिट नहीं आया है, और कब आएगा इसका कोई पता ही नहीं चल रहा है, नहीं कोई अपडेट दे रहे हैं लोग। वैसे तो बहुत सारे दोस्त इसके रिगार्डिंग कॉल भी कर रहे हैं, फिर RTI भी लगा रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक नोटिस दिया कि आपका रिजल्ट जल्द ही आएगा, ड्यू कोर्स आएगा, ठीक है। तो यही जानकारी है फ्रेंड्स, जैसे जैसे कि मेरा अगर IAR में कन्फर्म हो गया, क्योंकि मेरा उसमें बहुत ही अच्छा रैंक है, और उसमें जैसे ही उसका फाइनल मेरिट आता है तो मैं तो निश्चित है कि इसमें छोड़ूंगा। और से बहुत सारे स्टूडेंट हैं होंगे जिनका जैसे अभी लेवल 2 और लेवल 3 का भी बहुत जगह बहुत से जोन में रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उनका ग्रुप डी में भी हो गया है, ठीक है। तो वो लोग भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले रहे हैं, क्योंकि जब तक फाइनल मेरिट नहीं आ जाती है तब तक कोई भी स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहेगा। आप लोग को भी भली भांति पता होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग जिन भी स्टूडेंट का मान के चलिए 0 पॉइंट समथिंग से, 0.1, 0.2 या फिर 1 नंबर के आसपास भी अगर नहीं है, मेरिट नहीं बना है, तो आप लोग आशा ज़रूर रखिए आप लोग का लिस्ट में सेकेंड डिवी में लिस्ट में नाम आएगा या थर्ड डिवी लिस्ट में नाम आएगा, और बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कम से कम यही है कि 10 से 20% तो स्टूडेंट अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं, और जब सेकेंड डिवी आएगा तो आप लोग को ज़रूर कट ऑफ में देख सकते हैं कि भारी गिरावट भी आ सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा जो भी आप लोग का डाउट है, जो भी प्रश्न है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को हर अपडेट और सही जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।